हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, RSM SSB LDC की वैकेंसी के लिए द स्टडी कैफे आज राजस्थान में सबसे पहले काम करने वाला, सबसे पहले बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला और सबसे पहले रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाला पहला चैनल है, जहां पर हम लोग रेगुलरली आपको सेशंस अवेलेबल करवा रहे हैं। एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते आ रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम से पहले आपको हर छोटी से लेकर बड़ी बात आपको पता हो। दोस्तों, आज के वीडियो का मेरा पर्पज है कि बच्चों की क्वेरी लगातार आती रहती है कि सर साइंस को किस पैटर्न में पढ़ें, क्योंकि LDC एग्जाम की बात करें तो मैथ्स GK राजस्थान का GK है, साइंस एक पेपर में है, हिंदी इंग्लिश दूसरे पेपर में है। हिंदी और इंग्लिश SSC और बैंक के कंपैरिजन में, मतलब इंग्लिश काफ़ी आसान आती है राजस्थान की एग्जाम्स में, हिंदी भी एवरेज आती है। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक और एडवांस का कुछ पोर्शन आपका, कुछ वैदिक गणित का पोर्शन आपके है। राजस्थान GK तो भैया बवंडर बन जाए तो बवंडर है और साधारण बनी रहे तो साधारण है, कुछ कह नहीं सकते। साइंस ने पिछली बार 2018 में बच्चों की नींद हराम कर दी थी, नींद चैन सब पेपर देख के उड़ गया था। इतने खतरनाक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तगड़े वाले न्यूमेरिकल डीप क्वेश्चंस एकदम गहराई से। दोस्तों, उस समय भी हमारे नोट से बच्चों को बहुत मदद मिली, बहुत सारे बच्चे सबोर्डिनेट RPSC और सेक्रेटरेट में बैठे हुए हैं 2018 की भर्ती से। और इस बार 2022 में मैं ये चाहता हूं कि बच्चा हर चीज एग्जाम से पहले तैयार करे, एग्जाम में उसे किसी भी तरह के डर का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि आपको सिलेबस से बाहर के भी कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका बिना सर पैर का सिलेबस है। यानी कि बेसिक टॉपिक्स जो जरूरी होते हैं पढ़ने के लिए, चीजों को समझने के लिए, वो आपके सिलेबस में नहीं डाले गए हैं, सीधा बीच में से टॉपिक उठाकर डाल दिए गए हैं। तो आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, जिनसे क्वेश्चन भी आए पिछली बार, जैसे मेटल नॉन मेटल, धातु धातु आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कार्बन सब कुछ है। अब एग्जामिनर ने दे दिया सर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब धातु अधातु वाला जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं सिखाया जाता, वो तो सिखाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपसे पूछ लिया कि 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, पूछ सकता है भाई, यूरेनियम मेटल है, पूछ सकता है आपसे, मेटल नॉन मेटल आपके सिलेबस में है। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनका नंबर निकालना, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर पता करना, वैलेंसी संयोजकता निकालना, ये कहां पे है, ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। आपसे पूछ लिया कि भाई साहब सिलिकन को किस ब्लॉक में और पीरियडिक टेबल के किस ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि सिलिकन मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड में आपके सिलेबस में है। अब सिलिकन पूछ लिया, ऑक्सीजन पूछ लिया, कार्बन पूछ लिया, आयरन पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, आपको अगर ये बताना है कि वो किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, तो आपको पीरियडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। पिछले पेपर में धातुओं के एक ग्रुप के अंदर आकार का क्रम पूछा था कि भैया आपके सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, रूबिडियम, इनके आकार का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, क्योंकि वो सब धातु हैं, धातु आपके सिलेबस में है, लेकिन आकार का क्रम पता करने के लिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। कई बार बच्चे इस तरह का मेंटेलिटी बना लेते हैं कि सिलेबस से बाहर की एक लाइन भी नहीं पढ़ेंगे, बेटा कनेक्टेड चीज पढ़नी पड़ती है। आपके सिलेबस में धातु अधातु और उनके प्रमुख यौगिक है। एग्जामिनर ने पता है क्या किया, यौगिक जो आपके सिलेबस में है उनकी स्ट्रक्चर के लिए संकरण पूछ रहा है केमिस्ट्री में। संकरण 10th क्लास तक बच्चा देखता तक नहीं है, संकरण सीधे 11th 12th क्लास में देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी वाला संकरण नहीं, मेंडल वाला, फिजिक्स में हाइब्रिडाइजेशन, जिससे यौगिकों की ज्यामिति, यौगिकों की आकृति पता चलती है। पूछे गए हैं क्वेश्चन, उठाकर देख लो, XEF4 जीनोन का एक कंपाउंड है, उसका संकरण, उसकी ज्यामिति, उसका आकार पूछा गया था बच्चों। अब जब पिछली बार ऐसा हो चुका तो अब क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, संभावनाएं हैं, तो हम तैयार रहेंगे। संकरण भी पढ़ाएगा आपका भाई इस बार, एडवांस में एक्स्ट्रा वीडियोस डालेगा यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी, संकरण का भी काला चिट्ठा खोलेंगे। कार्बन आपके सिलेबस में है, कार्बन कंपाउंड, एग्जामिनर हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है। हाइड्रोकार्बन में भी आपसे एरोमेटिक, एलिफेटिक की पहचान करवा रहा है, हकल के नियम का प्रयोग करवा रहा है। आप 12 अगस्त के पेपर में एक क्वेश्चन देख चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है।
आईयूपीएससी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आईयूपीएससी नाम पूछे गए हैं वहां पर आपके। तो दोस्तों ये कनेक्टेड टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि हम एल्केन एल्कीन एल्काइन का नाम पढ़ते हैं, क्योंकि हम कार्बन और कार्बन के यौगिक पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन भी उसमें आता है, तो कनेक्टेड है। इनको सिलेबस से पूरी तरह बाहर नहीं कह सकते, ये कनेक्टेड टॉपिक है, ये पढ़ने पड़ेंगे। तो सुन लो बेटा, सबसे पहले केमिस्ट्री जब शुरुआत करो तो केमिस्ट्री में पहला टॉपिक आपको पढ़ना है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। अब तत्व यौगिक मिश्रण इस टॉपिक को कहते हैं। दूसरा टॉपिक आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर और तीसरा टॉपिक पीरियोडिक टेबल। ये तीन पहले पढ़ने हैं, उसके बाद आप कोई भी टॉपिक पढ़ डालें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन टॉपिक पढ़ने हैं सबसे पहले केमिस्ट्री में। अब जो साइंस का स्पेशल कोर्स चला एलडीसी का, उसमें तो ये डल चुके। जो कंप्लीट कोर्स है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट का भी सेम कोर्स है, उस कोर्स के अंदर ये भी नहीं डले हैं वीडियोस। तो ये जो है, आज मैं जहां तक पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये वीडियो अपलोड हो जाए, कल अपलोड होने वाले थे लेकिन इंटरनेट पूरी तरह डैमेज हो गया, शाम को यूट्यूब की क्लासेस भी नहीं हो पाई, तो ये आज आपके अपलोड हो जाएंगे 101%। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने ही है। जब आपको गूगल ड्राइव की एक लिंक मिली है पीडीएफ्स के लिए, हर बच्चे को नहीं मिली हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करें, पीडीएफ्स के लिए गूगल ड्राइव की लिंक लें। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन दोनों का जो आपके क्या है, इन दोनों की जो पीडीएफ है वो साथ साथ है, मतलब एक ही पीडीएफ है। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक पीडीएफ है, पीरियोडिक टेबल की दूसरी पीडीएफ है। ठीक है, तो ये आपको बता चुका हूं, दोबारा समझ लीजिए। ये तीनों कंप्लीट जो कोर्स है जिसमें मैथ साइंस जीके वगैरह सब कुछ है, उस कोर्स के अंदर अपलोड होंगे ये। ठीक है, और पहले इनको ही पढ़ना है ना, उसके अंदर अपलोड होंगे, और जो जूनियर अकाउंटेंट वाला कोर्स है उसके अंदर भी अपलोड होंगे। ठीक है, फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में बेटा शुरुआत आपके सिलेबस में तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट दो टॉपिक हैं, लेकिन फिजिक्स में आपको सब कुछ समझने से पहले मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा, तो यह भी अपलोड होने वाला है। मापन ये पढ़ना, यहां से आपको समझ में आएगा सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, 10 की पावर्स जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव, नैनो क्या होता है, मिली क्या होता है, गीगा क्या होता है, मेगा क्या होता है। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि जो यूनिट है वो कैसे बनाते हैं, मात्रक कैसे बनाते हैं, वाट को कैसे खोलोगे। ठीक है, विभव वोल्टेज का मात्रक कैसे बना, डायमेंशन विमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, ये सीख लिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक चीजें, मेजरमेंट के पढ़े बिना अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ डाली ना, एरोप्लेन बन जाएगा एरोप्लेन। ठीक है, तो पहले मेजरमेंट पढ़ना। यूट्यूब पे भी बच्चों अवेलेबल है, अगर आप कोई बच्चा कोर्स परचेज नहीं कर रहा है, यूट्यूब पर पढ़ रहा है, तो ये तीन टॉपिक अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, लगभग सारा कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो जहां पर आपको सूटेबल हो वहां पर आप पढ़ें। YouTube की क्लासेस में बातचीत ज्यादा है, नोट्स नहीं है, ऐप की क्लासेस में आपको कंप्लीट कंटेंट, प्योर मलाई विद नोट्स, पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश बोथ, सब कुछ आपको चिल्ड मिलने वाला है वहां पर। तो केमिस्ट्री में ये तीन टॉपिक इसी ऑर्डर में पहले पढ़ने, फिर जो चाहे पढ़ डालो। फिजिक्स में ये टॉपिक पहले पढ़ना है, फिर जो चाहे पढ़ डालो। बायोलॉजी में मानव शारीरिक ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक ही टॉपिक है आपके, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स पढ़ा दिया है आपको, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जेनेटिक्स भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानव रोग भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट बायोलॉजी आप जहां से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले इन दो बेसिक टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो इस बात का स्क्रीनशॉट ले डालिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एप्लीकेशन पर कल भी 7 से 8 वीडियो डले थे, 12 वीडियो डालने का हमारा प्लान था, रिकॉर्डेड है, लेकिन शाम के टाइम पता नहीं क्या, कई बार किस्मत जब खराब होती है ना तो एक पे एक इश्यू क्रिएट हो जाता है, इंटरनेट में प्रॉब्लम रही, इस वजह से नहीं डल पाए, वो आज अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के तीन टॉपिक बेसिक और फिजिक्स का एक टॉपिक बेसिक, वो भी आज अपलोड होगा। ठीक है, और क्योंकि वो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, साइंस कोर्स में तो अपलोड हो चुके हैं, है ना, वो कंप्लीट कोर्स के अंदर रिकॉर्ड होना, अपलोड होना बाकी है। ठीक है, एप्लीकेशन में स्पीड को लेकर बहुत बढ़िया, अभी स्पीड बढ़िया चल रही है, कुछ एक बच्चों को छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी टीम हैंडल कर रही है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेटा जो आरएसएम एसएसबी एलडीसी का जो कोर्स परीक्षा एप्लीकेशन पर चल रहा है, उस कोर्स के लिए आप देखिए, उस कोर्स में जो 50% ऑफ आपको मिल रहा है उसकी लास्ट डेट 17 अप्रैल है। नहीं निकल गई 17 बेटा, हो जाएगा खतरा 16 और 17, आपके पास 2 दिन हैं, जल्दी से जल्दी जाइए। सारे टीचर्स के डेमो वीडियोस देखिए, हिंदी पढ़ा रहे हैं श्रवण विश्नोई सर, बहुत बड़ा नाम, राजस्थान के विभिन्न बड़े बड़े संस्थानों में काम करने का अनुभव, आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। संदीप यादव सर, राजस्थान ज्योग्राफी सबसे अनुभवी, सबसे वरिष्ठ अध्यापक हमारी टीम के,
जिन्होंने शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जयपुर का जिसमें काम ना किया हो। साथ ही साथ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लिए युवा एनर्जेटिक हमारे कृष्णा चौधरी सर बिल्कुल नमक मिर्च और तड़के के साथ हिस्ट्री कल्चर आपके सामने रखेंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ, अच्छी अच्छी अप्रोच के साथ, गहराई के साथ, मजा आएगा आपको पढ़ते समय। अर्जुन सिंह राठौर सर हमारी टीम के कुबेर, 8 की 8 उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं महंगी महंगी और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। मजाक तो अलग जगह है लेकिन पढ़ाने का उनका अंदाज बहुत प्यारा है, बच्चों को पसंद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे उनके फैन बन रहे हैं रेगुलर। केतन जैन सर बहुत ही सलीके से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास वाला मेथड है, ज़्यादा बातचीत करते नहीं, सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं, बेसिक से क्लास को स्टार्ट करते डीप पर लेकर जाते हैं। मैथमेटिक्स वो आपकी ले रहे हैं, विज्ञान भैया अपने हाथ में है आपका, 4 साल से आप YouTube पर देखते आ रहे हो, हर टॉपिक YouTube पर आपने पढ़ा हुआ देखा है, तो गहराई की किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं है। कंटेंट आपको सुपर चिल्ड मिलने वाला है किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, इससे बेस्ट टीम, इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। तो दोस्तों 2999 रुपए का जो कोर्स है उस पर जब आप कोड लगाएंगे LDC50 कैपिटल में बिना स्पेस के, तो दोस्तों 1499 रुपए में 1 ईयर वैलिडिटी। अरे 1 ईयर क्या, 7 महीने बाकी है, दिसंबर में एग्जाम है लेकिन हम तो 1 साल दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर एग्जाम डिले हो गया, ईश्वर ना करे, मैं तो नहीं चाहता कि डिले हो, टाइम पर लगना चाहिए, लेकिन डिले भी होता है तो आपको 1 ईयर वैलिडिटी दे रहे हैं। साथ ही साथ सिलेबस में कोई चेंज होगा, कोई टॉपिक जुड़ेगा, कोई सब्जेक्ट जुड़ेगा, आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं करना, वो भी आपको मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है। आपके डाउट्स के लिए जूम पर आपसे मीटिंग्स की जाएंगी, हमारी टीम आपसे क्वेश्चंस लेगी और वीकली हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। आप निश्चिंत रहें, किसी भी तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात यहां तक। अब चलिएगा, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो ये कि किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है आपकी, उस हर प्रॉब्लम पर हम लोग काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन में जो नया वर्जन जब आया तो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स भी अब आपकी क्या हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। स्पीड को लेकर जिन बच्चों को दिक्कत थी वो प्रॉब्लम भी हम लोग लगभग क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए हैं। तो जो इंक्वायरी नंबर है आपका वो मैं आपको दे देता हूं, इंक्वायरी नंबर 9521272875, ये इंक्वायरी नंबर है, ठीक है। क्या इंक्वायरी नंबर है, 9595212727875, आप चाहे इस नंबर पर कर लें या इसके अलावा एक और नंबर है आपके पास 8600978622, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर पर आपको एलडीसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी बेटा। तो 17 अप्रैल लास्ट डेट है, याद रखिएगा, 50% डिस्काउंट का आप फायदा उठा पाएंगे, अदरवाइज उसके बाद जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा कम, फीस हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। तो साइंस के कोर्स में जो बेसिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना ही है, चाहे आप तैयारी हमारे साथ करें चाहे आप किसी के साथ भी करें। कोई भी टीचर अगर आपको बेसिक्स ये टॉपिक्स पढ़ाए बिना अगर सीधा स्टार्ट कर रहा है मेटल नॉन मेटल से, या सीधा स्टार्ट कर रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो समझ लेना आपके साथ गलत हो रहा है। आप चीजों को रट सकते हैं, समझ नहीं सकते, हर प्रकार के प्रश्न के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते, बात मैं आपको बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और हमारे इरादे आपको समझ में आ गए होंगे कि हम आपके हर सवाल का जवाब आपसे पहले सोच रहे हैं और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से जो है हम लोग जुटे हुए हैं। आगे आपसे बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियोस में, रेगुलर क्लासेस में, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। चलिए अगली कक्षा में बात होगी, टाटा बाय बाय, जय हिंद।